हेलो गाइस, आज एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड टॉपिक के साथ मैं आया हूँ आपको इसके ऊपर पर्सपेक्टिव्स को क्लियर करने के लिए। यू माइट हैव सीन दैट साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज गेनिंग अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस इन द सिविल सर्विस प्रिपरेशन बाय एंड लार्ज। ठीक है, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड, ये पास्ट ईयर क्वेश्चन भी रहा है यूपीएससी का। ठीक है, तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहती है आजकल गाइस। ठीक है, तो चलिए आज देखते हैं कि होती क्या चीज़ है, क्यों आया ये, कैसे ये टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रहे हैं हम लोग, हाउ इज इट गोना बी यूजफुल, इसमें क्या क्या फीचर्स होती है एंड इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है। ठीक है, ऑल ऑफ दोज पर्सपेक्टिव्स फ्रॉम सिविल सर्विस पर्सपेक्टिव हम लोग इसको देखने की आज कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको एक मतलब ऐसी व्यक्ति के बारे में बताना चाहता हूँ जिसका मतलब द पर्सन हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ दिस टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये आज तक ना मुझे पता है ना किसी को पता है। ठीक है, मतलब ये इतना ही सीक्रेसी, मतलब ये टेक्नोलॉजी भी अपने सीक्रेसी के लिए जानी जाती है। ठीक है, एंड ऐसे एक व्यक्ति के बारे में आपको मैं आज बताने जा रहा हूँ हु इज नोन फॉर हिज सीक्रेसी एंड आज तक वो दुनिया के सामने अपने पिक्चर को कभी नहीं दिखाया। ठीक है, द नेम इज सतोशी नाकामोटो। ठीक है, सो मतलब प्रिज्यूमेबली इनको जापानीज बोला जाता है, सम पीपल क्लेम हिम टू बी अमेरिकन्स। ठीक है, जैसे आप पिक्चर देख सकते हो स्लाइड में, इनका कोई फोटो नहीं है। ठीक है, इफ़ यू गो टू द लीगल रिकॉर्ड्स ऑल्सो, ऐसा कोई इंसान एग्जिस्ट ही नहीं करता है एंड जो करता है उसको आप मतलब इनके क्रेडेंशियल्स के साथ रिलेट नहीं कर पाते हो। ठीक है, तो ये ऐसा एक खुफिया नाम है आईटी की जगत में या फिर यू नो कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज की जगत में जो अभी भी मिस्ट्री है। ठीक है, वी नेवर नो कौन है ये, क्यों है ये। ठीक है, कैसे इन्होंने डेवलप किया, बट कहा जाता है कि 1990s से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट पे ये काम कर रहे थे। ठीक है, ये कहाँ पैदा हुए इनका भी मतलब कोई मतलब रहस्य अभी भी रहस्य ही है। ठीक है, सो सतोशी नाकामोटो, हाँ लेकिन मतलब एज यू कैन सी मतलब ही हैज अ स्यूडोनोमस, ट्रू आइडेंटिटी हैज नॉट बीन वेरीफाइड एवर। ठीक है, ये इन्वेस्टोपीडिया कोटेसी के द्वारा मुझे प्राप्त हुई है। ठीक है, बट इनको बिटकॉइन, ठीक है, या जो आप मतलब क्रिप्टो करेंसीज के नाम से ज्यादा पॉपुलर हो, इनके सृष्टिकर्ता यही है। ठीक है, 1990s से काम कर रहे थे। आप बोलोगे सर बिटकॉइन तो 2009 में आया, जी हाँ जरूर, मतलब 2009 में इनका फाइनली इम्प्लीमेंटेशन हुआ था पॉलिसी का, बट इसके ऊपर ऐसी एक पॉलिसी डेवलप करने में गाइस सालों लग जाते हैं। ठीक है, तो फाइनली 2009 में इनका जो मतलब अवदान था दुनिया को मिला, बट ही नेवर केम इन फ्रंट ऑफ द मीडिया, ही नेवर केम इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड मीडिया एंड हम लोग को आज तक इनका कोई भी मतलब इंफॉर्मेशन पता नहीं है। बट हाँ, ऑल दो मतलब रिसर्चर्स एंड पीपल हैव कम अप विथ अ यू नो प्रोटोटाइप कि इनका सही नाम डोरियन नाकामोटो है। ठीक है, बट अगेन गाइस मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ, ये प्रिज्यूमेबली है, इनका कोई मुझे आई डोंट हैव अ प्रूफ। ठीक है, ये शक्ल है इनका डोरियन नाकामोटो। क्यों, यहाँ पे वेरी ब्यूटिफुली लिखा लिखा हुआ है कि द नेम एंड हिज ट्रेनिंग एज एन इंजीनियर आर वेरी वेरी सिनोनिमस टू वो सतोशी नाकामोटो कैन अचीव। ठीक है, इज डोरियन नाकामोटो इज अ वेरी टैलेंटेड आईटी इंजीनियर। ठीक है, एंड ही हैज द क्रेडेंशियल्स जिसके द्वारा शायद इन्होंने किया है, बट ऐसा कोई प्रूफ हम लोग के पास आज तक नहीं है। आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट भी है कि इनको जब अप्रोच किया गया था वर्ल्ड मीडिया के द्वारा, ठीक है, ही एग्रेसिवली डिनाइड इट एंड एट द टाइम ऑफ हिज आउटिंग हैड नॉट बीन वर्किंग एज एन इंजीनियर फॉर इयर्स। ठीक है, उन्होंने बोला कि मैं तो इंजीनियर की नौकरी कब से छोड़ा हुआ हूँ, तो मुझे पता भी नहीं है कि व्हाट इज बेसिकली हैपनिंग इन द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी दैट वी गेट टू सी। राइट, सो ऑल ऑफ दिस कम्स अप टू द क्वेश्चन कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती क्या है, व्हाट इज एक्चुअली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एंड हाउ प्रैक्टिकली वी कैन डेवलप दिस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी फॉर आवर बेनिफिट। तो इसमें बेसिकली गाइज मैं आपको एक डायग्राम दिखाना चाहता हूँ व्हाट एक्चुअली हैपेंस। ठीक है, अगर आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को समझने की कोशिश करेंगे, दिस इज व्हाट एक्चुअली इज हैपनिंग इन द ब्लॉकचेन्स। ठीक है, तो सबसे पहले नीड क्या आया, व्हाट इज द नीड ऑफ डेवलपिंग अ ब्लॉकचेन इज दैट डेटा। ठीक है, डेटा वॉज नॉट सिक्योर्ड, हम लोग का जितना भी डेटा था गाइज इट वॉज ऑल विद द सर्वर। ठीक है, और सर्वर का एक ओनर होता है, एवरी सर्वर हैज अ ओनर। राइट, सो इस सर्वर का क्या होता है, इस सर्वर में डेटा स्टोर्ड होती है एंड वंस द डेटा इज स्टोर्ड इन दिस सर्वर, ये जो ओनर है वो अपने बेनिफिट के लिए इस डेटा को मैनिपुलेट कर सकता है। ही कैन यूज दिस डेटा, ही कैन एक्सप्लोइट दिस डेटा। ठीक
ठीक है, आपने देखा ही होगा आपका जो डेटा है गाइस, आप अगर फ्लिपकार्ट आपके गूगल में अगर आप मेडिसिन सर्च करते हो तो यूट्यूब में मेडिसिन की एड आने लग जाती है ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो ओनर इज सेलिंग दोज डेटा टू द फार्मास्यूटिकल कंपनीज एंड फार्मास्यूटिकल कंपनीज आर मेकिंग मनी आउट ऑफ इट। ठीक है, वो तो एक फिर भी लीगल अप्रोच हो गया, बहुत ही ज्यादा इलीगल लेवल पे भी हम इस डेटा का मिसयूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, सतोशी नाकामोटो ने बोला कि हम लोग क्या करेंगे, डेटा को हम डिसेंट्रलाइज करेंगे। डिसेंट्रलाइज, आप पूछोगे सर व्हाट इज डिसेंट्रलाइज, डिसेंट्रलाइजेशन मतलब ये ओनर है और इसके पास सारा डेटा है, दिस इज कॉल्ड एज सेंट्रलाइजेशन, सारा डेटा एक जगह इकट्ठा है, दिस नोन एज द सेंट्रलाइजेशन पॉलिसी। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब हम ये डेटा है सबके लिए ओपनली अवेलेबल कर देंगे। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का गाइस, कि एक अगर इंफॉर्मेशन सिर्फ मेरे पास है तो वो इंफॉर्मेशन मैं किसी भी तरीके से मैनिपुलेट करके आपको बता सकता हूँ, मगर एक इंफॉर्मेशन अगर सबके पास है तो उसमें मैं झूठ नहीं बोल सकता, क्योंकि दैट इंफॉर्मेशन इज नोन टू ऑल, एंड इफ दैट इंफॉर्मेशन इज नोन टू ऑल, अगर मैं उसमें मैनिपुलेशन भी करूंगा तो लोगों को पता चल जाएगी कि बेसिकली ये गलत बोल रहा है, एक्चुअल में ये हुआ था, दिस इज व्हाट हैज हैपेंड बेसिकली इन द इंफॉर्मेशन, राइट। सो ये इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके सतोशी नाकामोटो डेवलप्ड अ टेक्नोलॉजी नोन एज द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। उसमें बोला गया कि हर एक डेटा दुनिया में जितना भी ब्लॉकचेन्स में स्टोर होगी, इट विल हैव अ फुटप्रिंट, डिजिटल फुटप्रिंट। डिजिटल फुटप्रिंट जैसे कि ये डेटा हो गया, दिस इज द डेटा, ठीक है, इसका कहाँ से आया है ये डेटा, वेयर हैज दिस डेटा कम फ्रॉम, उसका एक हैश स्टोर होगा। ठीक है, इसका एक हैश स्टोर होगा, एंड सॉरी ये हैश हो गया मतलब करंट हैश, एंड इसका एक प्रीवियस हैश होगा, मतलब ये डेटा कहीं से तो आया होगा किसी और ब्लॉक से। ठीक है, एवरी डेटा विल बी स्टोर्ड इन ब्लॉक्स, ऐसे ऐसे ब्लॉक्स में हम स्टोर करेंगे। ठीक है, जस्ट लाइक योर चेन, जैसे हर एक चीज ब्लॉक्स में स्टोर होती है वैसे ही ब्लॉक में स्टोर करेंगे। अब ये पकड़ लीजिए ओरिजिनेटर यहां से है, ठीक है, तो इसको बोला जाएगा ओरिजिनेटर ब्लॉक। ठीक है, एंड ओरिजिनेटर ब्लॉक का एक हैश क्रिएट होगा। व्हाट इज अ हैश, हैश इज जस्ट अ नंबर। ठीक है, आप हैश को डरिए मत, दिस जस्ट अ नंबर, कि बोला जाएगा ये हैश से फिर यहाँ पे चले गया, पकड़ लीजिए डेटा, तो इस हैश में अगले हैश में भी ये चीज मिलेगा कि इसका ओरिजिन डेटा एक्चुअली इस हैश में है, एंड ये हैश यूनिक हैश है, मतलब इसका जैसा और कोई हैश नहीं होगा। इट्स जस्ट लाइक योर आधार नंबर गाइज। ठीक है, जैसे आपका आपका आधार नंबर किसी और के पास नहीं होता है, तो उस डेटा का वो आधार नंबर है कि पहले किसके पास था, और अगला ब्लॉक का फिर हैश ले लेगा, फिर अगले ब्लॉक में नेक्स्ट ब्लॉक ब्लॉक टू में जब जाएगा ये इसका हैश यहाँ पे प्रीवियस हैश में स्टोर्ड होगा। सिमिलर वे अब जब ये अगले में जाएगा तो इसका हैश नेक्स्ट ब्लॉक में स्टोर होगा। तो ऐसे करके हर एक डेटा जब भी प्रोसेस होता है, अलग अलग सर्वर्स में जाती है, अलग अलग डेटाबेसिस में जाती है, यू कैन ट्रेस कि वो डेटा कहाँ से एक्चुअली आ रही थी। तो उसमें कोई अगर मैनिपुलेशन आपको लगता है कि इस डेटा में गड़बड़ी है, तो यू कैन गेस कि ये जो डेटा है इस ब्लॉक में, इसमें गड़बड़ी की गई थी, इस ब्लॉक का ये ओनर है, एंड इसी ओनर को हम पकड़ेंगे तो हमें सारा का सारा चीज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है, बड़ा सुंदर सा कंसेप्ट है, आई गेस यू हैव अंडरस्टूड। ठीक है, तो इसका बेनिफिट क्या होता है गाइस, आप पूछोगे सर इसका बेनिफिट क्या होगा, व्हाट आर द बेनिफिट। ठीक है, फीचर्स को देख लीजिए, डाटा वॉज प्रीवियसली जस्ट ओन्ड बाय द ओनर या एडमिन। ठीक है, ओनर्स कैन मॉडिफाई इट फॉर देयर म्यूचुअल बेनिफिट। ठीक है, करप्शन भी कर सकता है, डेटा इज द न्यू ऑयल, यू नो इट। बट अभी ब्लॉकचेन क्या करता है, डिसेंट्रलाइज कर देता है। ठीक है, 1990s में ये आई थी, एंड इट गॉट डेवलप्ड इनटू क्रिप्टो करेंसीज बाय 2009। ठीक है, तो इसमें बेनिफिट क्या होगा, ये डायग्राम आप देखिए, नो थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, डेटा इज नाउ डिसेंट्रलाइज, सबका डेटा, तुम्हारा डेटा, मेरा डेटा। ठीक है, ट्रस्टेड ट्रांजेक्शन होती है, क्यों, क्योंकि सारा चीज रिकॉर्डेड है कि यहाँ से ये यहाँ गया था, यहाँ से ये यहाँ गया था, तो अगर गड़बड़ी हुई है तो इसके बीच हुई है, इस ब्लॉक का आप एक हिस्ट्री रिकॉर्ड चेक करिए, बड़ा आसानी से आप पकड़े जा सकते हो। रिड्यूसेस कॉस्ट बिकॉज डिसेंट्रलाइज हो रही है, एक सर्वर नहीं है, सब अपने अपने सर्वर्स में इसको प्रोसेस कर रहे हैं। ठीक है, अनएडल्टरेबल। ठीक है, कॉपी नहीं कर सकते, कॉपी कर सकते हो सिर्फ आप। ठीक है, बट ट्रेसेस रह जाती है, हैश ट्रेस। ठीक है, प्रीवियस डेटा के रियल टाइम ट्रैकिंग कर सकते हो, सिक्योर्ड है, एंड नो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। अगर कोई भी एक डेटा ब्लॉक फेल होती है, बट दिस डेटा इज नाउ ऑलरेडी बीन स्टोर्ड इन मेनी अदर सर्वर्स, यू नो दैट डिसेंट्रलाइज हो गई है।
तो अगर ये वाला सर्वर काम भी नहीं कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, इस सर्वर से आप इस डेटा को यहाँ पे प्रोसेस कर सकते हो। पहले क्या था, एक सेंट्रलाइज सर्वर थी और हर एक जगह में डेटा यहाँ से जा रहा था। अगर इसका शटडाउन हो जाता है तो सब मर जाते हैं, किसी को भी डेटा नहीं मिलता है। दिस इज अनादर मतलब सोल्यूशन दैट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ठीक है, मतलब सीक्स टू बेसिकली सिक्योर। ठीक है, इफ यू आर लुकिंग फॉर द नोट्स, कंपोनेंट्स ऑफ ब्लॉक्स, डाटा, हैश डाटा, यूनिक, प्रीवियस हैश, ये सारे चीज रिकॉर्ड होते हैं। आप पूछोगे सर इसका यूज क्या है, इसका यूज सबसे बढ़िया यूज मेडिकल डेटा में होता है। ठीक है, ऑफन एट टाइम्स वी टेंड टू हाइड अवर मेडिकल हिस्ट्री, या फिर हम लोग के पास और मेडिकल रिकॉर्ड्स होते नहीं है, तो डॉक्टर्स को बहुत दिक्कत होती है कि आपका प्रीवियस मेडिकल मतलब क्या क्या बीमारी थी, उसके हिसाब से मेडिसिन दे नहीं पाते। तो इफ यू यूज दिस थिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इन मेडिसिन, तो डॉक्टर आपका यूनिक हेल्थ आईडी मार देगा अपने सिस्टम में, सारा आपके जन्म से पूरा कुंडली आपका निकल जाएगा उनके बैठे बैठे। करेंसी ट्रांसफर इज अ वेरी बिग थिंग। करेंसी आपको पता ही है गाइस कैसे मतलब करेंसी गेट्स मैनिपुलेटेड, करप्शन होती रहती है, बट ये अगर आ गया करेंसी ट्रांजेक्शन विद इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया, इंटरनेशनल ट्रांसफर्स, हर जगह में ट्रांसपेरेंसी रहेगी एंड कोई एक इंसान करप्शन नहीं कर पाएगा। बिजनेसेस में भी यूज कर सकते हैं आप, रियल एस्टेट बिजनेस में बड़ा इसका इस्तेमाल होगा। आप अगर प्रॉपर्टीज की बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं, आपको आसानी से दिख सकता है कि ये प्रॉपर्टी किसके नाम पे है, जाली कागज नहीं बन सकता है इसमें क्योंकि ये डिसेंट्रलाइजली स्टोर्ड है। तो काफी सारे ऐसे आप लोग यूजेस देख सकते हैं। ठीक है, इफ यू ऑल्सो फाइंड मेनी मतलब आई वुड लाइक यू टू फाइंड सम मोर यूजेस ऑफ इट एंड पुट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, दिस इज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेटा, वेरी मच सिक्योर्ड एंड यूजफुल फॉर द अपकमिंग जनरेशंस टू यूज। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। थैंक यू। বৰ ঠাকুৰ আইএছ একাডেমী প্ৰস্তুতি আৰু অধ্যয়নৰ নিৰ্ভৰযোগ্য ঠিকনা বৰ ঠাকুৰ আইএছ একাডেমী।